बॉलीवुड इंडस्ट्री की प्लेबैक सिंगर कनिका कपूर अब भी अपनी बीमारी कोरोना वायरस से लड़ रही हैं और हिम्मत बटोर कर पूरा परिवार उन्हें हिम्मत दे रहा है कि इस जंग में उन्हें जीत हासिल करके वापस अस्पताल से स्वस्थ होकर लौटना ही है। हैरान करने वाली बात ये भी थी, अचंभव करने वाली बात ये भी थी और राहत की बात भी ये थी कि कनिका कपूर लंदन से मुंबई पहुंची, मुंबई से लखनऊ पहुंची और इस दौरान तमाम लोगों से उनकी मुलाकात हुई, पार्टियाँ उन्होंने अटेंड की, 100 से भी ज़्यादा लोगों के संपर्क में आई, लेकिन अब तक उनके संपर्क में आने वाले किसी भी एक शख्स को कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है। लेकिन कोरोना से जूझ रही कनिका कपूर खुद खुद जो अपने परिवार और बच्चों के बिना इस दर्द को सह रही हैं, उनका 4 बार टेस्ट हुआ, 10 दिन से वो हॉस्पिटल में एडमिट है। 4 बार टेस्ट होने के बावजूद कनिका कपूर इस बीमारी की वजह से बाहर नहीं निकल पाई हैं। लखनऊ आने के बाद जिस कनिका कपूर को पार्टीज में देखा गया था, 10 दिन बाद जिन्हें कोरोना वायरस से संक्रमित होने की वजह से डॉक्टरों के सहारे इलाज में 4 बार टेस्ट के बावजूद पॉजिटिव रिजल्ट का सामना करना पड़ रहा है। अब जो खबर आई है उनके इलाज के बीच बहुत बुरी, वो ये है कि कनिका कपूर को अभी लगेगा लंबा समय इस बीमारी से बाहर निकलने में। जी हाँ, समय पर जब आपको इस बीमारी का पता न चले तो फिर समय रहते हुए इलाज ना कराने पर, बाद में इलाज कराने पर आपको इस बीमारी के लंबे समय तक नुकसान को भुगतना पड़ सकता है और इसी कारण से कनिका कपूर को इस बीमारी से राहत नहीं मिल पाई है। हालांकि 5वीं रिपोर्ट में नेगेटिव रिजल्ट का वो उम्मीद कर रही हैं क्योंकि पहली बार जांच हो और अगर वायरस का असर शुरुआती दौर में ही पता चल जाता है तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है, पर वायरस को पूरी तरह शरीर में बाहर जाने में बहुत वक्त लगता है। यही कारण है कि कोरोना पॉजिटिव अब भी पाई जा रही हैं कनिका कपूर। वहीं इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से भी इससे स्वस्थ होने में वक्त लगता है, ये भी कहा जा रहा है कि कनिका के इम्यून सिस्टम में कमजोरी के कारण वो इससे समय से लड़ नहीं पा रही हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।